हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विद लॉ। तो एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए। जी हाँ, कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एलएलबी कर रहे हैं या जिनका एनरोलमेंट अभी तक आया नहीं है, सर्टिफिकेट या एनरोलमेंट नंबर अभी तक आया नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो वो कह रहे थे मैम हमारा बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है, हमें आईवी का एग्जाम देने में लेट हो जाता है, हम कब तो फॉर्म फिलअप करेंगे, कब हमारा रिजल्ट आएगा, फिर हम एआईवी एग्जाम में बैठेंगे, हाँ तो फिर हमारा सीओपी आएगा, उसके बाद हम लिटिगेशन में जा पाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, लॉ यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, उन्होंने रिट पिटीशन डाला था भाई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि जब 2023 के एक लैंडमार्क केस में, एक जजमेंट में, जब उसका केस का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था साफ साफ कि जो बीसीआई है उनके पास पूरा राइट है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं आईवी का, लेकिन उनके पास ये भी राइट है कि वो जो फाइनल ईयर के जो लॉ स्टूडेंट्स है, जो बच्चे अभी एलएलबी कर रहे हैं या जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है स्टेट बार काउंसिल में, जिनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, वो बच्चे आईवी दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इस केस में, 2023 में ये केस आया था। तो जब ऑलरेडी हम कह चुके थे इस बात को, ठीक है, तो अब आप जो फाइनल ईयर के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बच्चे हैं फाइनल ईयर के वो अभी कहाँ जाएंगे? उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनको वेट करना पड़ेगा लिटिगेशन में जाने के लिए, उनका करियर यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, चौपट हो रहा है। तो रिट पिटीशन फाइल किया गया था, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बीसीआई को कि मैं आपको एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, कोर्ट ने ये कहा था। जो चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये कहा था एक हफ्ते का टाइम ले लो आप, ठीक है। तो बीसीआई ने ये कहा कि वक्त लगता है रूल्स फ्रेम करने में, बीसीआई ने ये कहा आज हियरिंग में, आज इसकी हियरिंग हुई है, ठीक है, मैं कोर्ट में थी अभी मेरे को पता चला, तो थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो बनाने में, तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि आज इसका हियरिंग हो चुका है और बीसीआई ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए ऐसा है, जो फाइनल के जो बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जो एग्जाम दे चुके हैं या फिर जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम एग्जाम कंडक्ट करवाते भी हैं तो रूल्स फ्रेम्ड करने में हमें टाइम लगेगा, कुछ चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे, बहुत समय लगता है इन सब चीजों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है भाई, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लो, लेकिन जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं जो अभी एलएलबी कर रहे हैं या जो कर चुके हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन बच्चों को आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये भाई आज वो फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता दूं इसमें देखिए, अभी एवी 19 का एग्जाम होने वाला है 24 नवंबर को, ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो और भी कई सारे चीजों में आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो फाइनल ईयर के बच्चों को उनको अलाउ करना ही पड़ेगा। तो ये खुशखबरी हुई आप सभी के लिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप एवी 19 दे रहे हैं अभी इस बार, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम एआईबी 19 की प्रिपरेशन हम करेंगे, एआईबी 19 के टेलीग्राम, एआईबी 19 के जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, एआईबी 19 डिस्कशन ग्रुप, उस ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंडमार्क जजमेंट, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, कुछ पीवाईक्यूज मैं लेके आऊंगी आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज जो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए, और हाँ प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, क्योंकि इस केस का आज जो भी जजमेंट आया है, जो भी हियरिंग में हुआ है, इसका जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है, क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बीसीआई ने क्या कहा, मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है कि अब बात यही है, जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो अब अलाउ कर चुके हैं, उनको भी अलाउ कर दिया गया है कि अब वो भी अपना करियर बर्बाद ना करें और वो अपने आईवी एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं। तो कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट एंड बाय बाय।